हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बिहार दारोगा मेंस की एक पुस्तक लेकर के, और ये पुस्तक है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रकाशित की गई है। वॉल्यूम 1 का मैंने आप सबों के समक्ष रिव्यू किया था। वॉल्यूम 2 पुराने बुक को रिवाइज करके निकाला गया। वॉल्यूम 3 कम्प्लीट फिर नया बुक है। तो वॉल्यूम 3 को लेकर के हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। वॉल्यूम 3 में क्या खास है, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या आपका प्राइस है, सब कुछ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, वॉल्यूम 3 है, मुख्य परीक्षा के लिए है, और टोटल इसमें सेट्स कितने हैं, 20। आपका प्राइस इसका है ₹120। अब देखिएगा, इसमें 20 सेट्स में क्या क्या है। तो फर्स्ट सेट में आपको जितने सेट प्रैक्टिस के लिए थे उतने ही सेट हिंदी के भी थे, लेकिन यहाँ अलग है, हिंदी के सेट्स को यहाँ कम कर दिया गया, क्योंकि ये विद्यार्थियों की डिमांड रही है। हिंदी भाषी प्रदेश है बिहार, और यहाँ हिंदी में दिक्कत शायद ही किसी विद्यार्थी को होता हो, इसलिए हिंदी काफ़ी कम करके 5 सेट दिया गया, और 15 सेट आपका कंप्लीट प्रैक्टिस है। इस दृष्टिकोण से आप देखें तो आपको एक सेट का दाम मात्र ₹8 लगता है, जबकि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में लगाने जाएंगे सेट तो आपको वहाँ कम से कम 20 से 25 रुपये एक सेट लगता। अब उसके बाद बात करें डिस्कशन की, कि वहाँ तो डिस्कशन होता है। अब हम लोग इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। तो पहले ये हिंदी के सेट्स हैं, इसको देख लेते हैं। और एक बदलाव ये दिख रहा है कि क्वेश्चंस के बीच में गैपिंग काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्पेस काफ़ी अच्छा किया गया है, और फॉन्ट को भी बड़ा किया गया है, जो कि पहले की अपेक्षा इस बुक में एक बड़ा सुधार है। इस प्रकार से हम लोग हिंदी के सेट्स को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, और पहले GS के सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो GS का पहला सेट आप देख सकते हैं, पेपर 2 जो होता है हमारा, पेपर 2 के नाम से है। और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस प्रकार के हैं, इसमें साइंस के भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और हर प्रकार के प्रश्न हैं। बायोलॉजी से खूब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हिस्ट्री के भी छोटे भी प्रश्न हैं, आसान भी प्रश्न हैं। वॉल्यूम 1 के बनस्पत ये थोड़ा सा आसान है, ताकि विद्यार्थियों को दिक्कत ना लगे अंतिम टाइम में, वे जेन्युइन क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं ठीक उसी पैटर्न पर आसान क्वेश्चंस, और मॉडरेट और टफ सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मिला करके दिया गया है इसमें। यदि आप 70 से 80 के बीच स्कोर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा, जहां तक मैंने इसके क्वेश्चंस के लेवल को देखा है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, डिस्कशन की बात कर रहे थे कि एक सेट का डिस्कशन कैसा होना चाहिए, और आपको कोचिंग जा करके कितना डिस्कशन मिलेगा एक क्वेश्चन पर। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मैं पहला क्वेश्चन दिखा दूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सीधा नियंत्रित होता है, उसके डिस्कशन को मैं आपको दिखा दूँ, इसका डिस्कशन कैसा है। तो इसके डिस्कशन में आप देख सकते हैं 3, 3, 6 एक क्वेश्चन को 6 लाइन में एक्सप्रेस किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है, और पूरे डिटेल्ड वे में हर क्वेश्चन हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, हर पॉइंट एक क्वेश्चन है। और कई एग्जाम्स में आप रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तकों में देखेंगे कि डिस्कशन का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको रहता है, यानी कि वही पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं जो एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं या पूछने की पूरी संभावना है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को ही इसमें लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप सेट लगा सकते हैं, उसके बाद आंसर मिला करके खूब अच्छे से इसका अध्ययन कर लेने के बाद आपको ज़रूरत ऐसा महसूस नहीं होगा कि टीचर से डिस्कशन नहीं हुआ, आपको ऐसा लगेगा किसी टीचर ने ही आपको डिस्कशन करवाया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसके हर सेट को देख सकते हैं, सारे सेट्स के क्वेश्चंस काफ़ी बेहतर लेवल के हैं, और वॉल्यूम 1 के वन और वॉल्यूम 3 दोनों को मिला करके, और वॉल्यूम 2 पुराना है, आपने किया होगा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस, और अगर आपने नहीं किया है तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी इतने सेट्स प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपके तैयारी में काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। तो इस बुक की ये विशेषताएं थी जिसको लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे, और मैं आपको क्वेश्चंस और डिस्कशंस मैंने आपको दिखाया है। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।